हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की भर्ती हुई है। 3 स्तर की चरण में दोस्तों ये भर्ती पूरी हुई। पहले और दूसरे चरण के जो भी सौभाग्यशाली शिक्षक शिक्षिका भाई बहन रहे उन्हें दोस्तों वेतन मिल रहा है, लेकिन तृतीय चरण में 6,696 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ और तकरीबन 1.5 माह से वो अपना जो भी सेवा है और अपनी उपस्थिति वो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद मुख्यालयों पे दोस्तों दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी राज्य स्तर से या राज्य परियोजना कार्यालय निषादगंज लखनऊ या स्कूल शिक्षा महानिदेशक समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ के माध्यम से किसी भी प्रकार का, खासतौर पर तृतीय चयन सूची में जो शामिल अभ्यर्थी हैं उनके संदर्भ में किसी भी प्रकार का पत्र वेतन संबंधी दोस्तों अभी नहीं जारी हुआ है। इससे पहले पत्र दोस्तों जारी हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती में जो शामिल कैंडिडेट रहे हैं उनके वेतन को लेकर के, कि बाकायदा जो है सत्यापन कराने के बाद उनका वेतन निर्गत किया जाए, उनसे एक प्रकार से एफिडेविट लेकर के भी उनका वेतन दिया जा सकता है। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में जो तृतीय चयन सूची में शामिल अभ्यर्थी हैं उस संबंध में अभी किसी भी प्रकार का दोस्तों पत्र जारी नहीं हुआ है। इस संबंध में दोस्तों एक नई बात हुई है और वो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संभल के द्वारा एक नूतन पहल की गई है। इस जनपद में दोस्तों पहल दोस्तों ये हुई है कि अभी जब तक राज्य परियोजना कार्यालय निषादगंज लखनऊ के माध्यम से कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं हो जाती, यानी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन जो भी तृतीय चयन सूची में हैं उन्हें विद्यालय आवंटित नहीं हो जाता, तो वहाँ पर जो बंद और एकल विद्यालय हैं विभिन्न विकास खंडों में वहाँ पर इन्हें नियुक्ति दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि इन्हें नियुक्ति दी जा रही है और इनको इनकी उपस्थिति के आधार पर वेतन भी दोस्तों निर्गत करने का आदेश इसमें दिया गया है, तो ये बड़ी बात है। आइए देखते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संभल द्वारा जारी पत्र, जिसमें दोस्तों वहाँ के 66 में से 63 जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन आ रहे हैं उनको वेतन निर्गत करने का निर्देश दिया गया है। पहले विद्यालय में उन्हें कार्यभार ग्रहण करना है, अस्थायी रूप से ही सही वो अपनी सेवा देंगे और उन्हें उनकी उपस्थिति के आधार पर वेतन मिलेगा। दोस्तों ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संभल का ये पत्र है, आप दोस्तों देख सकते हैं। पत्रांक बेसिक शिक्षा और 3210-18/2021-22 दिनांक 17 सितंबर 2021 का पत्र है। अब यहाँ कार्यालय ज्ञाप है, आप इसको एक एक शब्द ध्यान से दोस्तों आप अपना ध्यान दीजिएगा। एतद् द्वारा 69,000 सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत रिक्त पदों के, अब यहाँ पे दिया गया है कि सापेक्ष जनपद संभल हेतु तृतीय चयन सूची में आवंटित यहाँ पे 66 अभ्यर्थियों में से निर्धारित तिथियों को काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले आहर पाए गए निम्नलिखित 63 अभ्यर्थियों को जिलाधिकारी महोदय संभल के अनुमोदन दिनांक 17 जुलाई 2021 के अनुपालन में उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 5 में अंकित शिक्षक विहीन / एकल शिक्षकीय विद्यालय में उनकी पदस्थापना हेतु शासन विभाग द्वारा प्राप्त होने वाले निर्देशों तक अस्थायी रूप से शिक्षण कार्य हेतु तैनात किया जाता है। निर्देशित किया जाता है कि तत्काल आवंटित विद्यालय में उपस्थित होकर नियमित रूप से शिक्षण कार्य करना सुनिश्चित करें। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हेड है वो ये है, क्रम संख्या उनका जो रजिस्ट्रेशन संख्या थी 69,000 शिक्षक भर्ती में, नाम सर्वश्री श्रीमती कुमारी, पिता का नाम सर्वश्री, शिक्षण कार्य हेतु अस्थायी रूप से आवंटित प्राथमिक विद्यालय और विकास खंड का नाम। इस तरीके से दोस्तों 63 कैंडिडेट जो वहां पे रहे संभल जिले में उनको स्कूल आवंटन हो गया है अस्थायी रूप से ही सही, स्कूल आवंटन हो गया। अब महत्वपूर्ण बात दोस्तों नीचे है और वो ये है कि उपरोक्त के साथ यह भी निर्देशित किया जाता है कि संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी /CSC इंचार्ज के मार्गदर्शन में कोविड-19 वैक्सीनेशन में अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित कराएं।
संबंधित शिक्षकों को उपरोक्त अवधि के वेतन का भुगतान, यहाँ पे दोस्तों महत्वपूर्ण है कि उपरोक्त अवधि के वेतन का भुगतान शिक्षण कार्य हेतु आवंटित विद्यालय से प्राप्त होने वाली उपस्थिति के आधार पर ही किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पूरी की पूरी बात लिखी जा रही है कि वेतन का भुगतान वहाँ पे विद्यालय में उपस्थिति के आधार पर, जैसे परंपरागत रूप से शिक्षकों की व्यवस्था है जिस तरीके से होता है उस तरीके से ही जो है वेतन का भुगतान होगा। सीपी सिंह जी हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दोस्तों संभल। तो दोस्तों ये पत्र प्रेषित भी हुआ है जिला अधिकारी महोदय संभल को सादर अवलोकनार्थ, मुख्य विकास अधिकारी महोदय संभल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी संभल, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान काठ मुरादाबाद संभल, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक द्वादश मंडल मुरादाबाद, वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा संभल, समस्त खंड विकास अधिकारी जनपद संभल, संबंधित प्रधानाध्यापक अलग सहायक अध्यापक को अनुपालनार्थ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संभल। 17 सितंबर का ये पत्र है। तो दोस्तों वहाँ एक नई पहल हुई है जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती की तृतीय चयन सूची में जो अभ्यर्थी हैं 63 अभ्यर्थी उनको अस्थायी रूप से बंद और एकल विद्यालय मिल गए हैं। यहाँ वो अपनी सेवा देंगे, उन्हें वेतन मिलेगा और जब नई व्यवस्था के तहत राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा या ऊपर से सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्देश होगा कहाँ और उन्हें स्कूल आवंटन अस्थायी रूप से हो जाएगा तो अपने वो अस्थायी विद्यालयों में जाकर के सेवा देंगे और वेतन की व्यवस्था वहाँ से उनकी बहाल होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन या लेटेस्ट अपडेट्स आपको कैसा लगा, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा 69,000 शिक्षक शिक्षिका भाई बहनों तक शेयर करिए। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है उसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।